नागिन है तो बीन की धुन इस पर कोई प्रभाव के नहीं डाल रही है। ये तो बच्चे हैं, लेकिन आपको तो समझना चाहिए। और ये सपेरा यहाँ कैसे आया? देखिए, आप जाइए यहाँ से और आज के बाद इस घर में कभी मत आइएगा। ये हमारी विनती है और आदेश भी। जो आज्ञा माई, जो आज्ञा। हम इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे त्रिवेणी। हम ये पता करके ही रहेंगे कि आपकी असलियत क्या है। इनके धन पे ऐसा फटका मारूंगा कि हमारे रास्ते से तो क्या इस दुनिया से खत्म हो जाएगी। कर दो बेटा, हम तो यहाँ आ ही नहीं रहे थे, यही हमें यहाँ खींच के लेकर आई जबरदस्ती। जायदाद के लिए झूठ बोलते हो। अरे माफ कर दो बेटा, आखिरी मौका देती हो। हाँ। चले जाओ यहाँ से। चलो भाई। हम जा रहे। आप लोग भतीजे, ये लड़की है ना, ये लड़की एक नाग। हम बताते हैं माँ, ये लोग हमें मारना चाहते थे। ये आपके होने वाले बच्चे को भी मारना चाहते थे ताकि सारी जायदाद इन्हें मिल जाए। आपको हमने अपना माँ बाप समझा और आपने ये सुना दिया। अरे आपने हमसे मांगा होता, हम सब कुछ आपके नाम कर देते। नहीं काका साहब, आपको अपनी किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। बेटा बेटा बेटा, मैं माफ कर दूं बेटा। पुलिस को फोन मत करना बेटा, हमें माफ कर दो बेटा। घर की बात है, घर ही में निपटा लेते हैं बेटा। हम माफी तो मांग ही रहे ना। हाँ सरोज बेटी, विक्रम को समझाओ ना। आप लोगों ने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की है, हम आपको कभी माफ नहीं कर सकते। छी, इतनी घटिया हरकत। अमृता बेटी, हमें माफ कर दो बेटी, हमें माफ कर दो। बेटी आज के बाद ना हम इस घर की तरफ मुंह करके सोएंगे भी नहीं। नागिन होने की सच्चाई छिपाने के लिए हमें माफ करना ही होगा। हमें माफ कर दो बेटे, प्लीज। इन्हें जाने दीजिए पिताजी, जो भी है हमारे रिश्तेदार ही हैं। अगली बार से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। देखा काका साहब, जिसकी आप जान लेना चाहते थे वही आपकी जान बचा रही है। आप चले जाइए यहाँ से, और आज के बाद अपनी शक्ल तक मत दिखाना। जाइए यहाँ से। चले जाते हैं। बेचारे आओ चल। क्या बात है भाई साहब, आजकल तो आपने हमारे घराना बंदी कर दिया। ऐसी भी क्या नाराजगी है? ऐसी कोई बात नहीं भाभी जी, बस वक्त ही नहीं मिलता है। जूही बेटे, आप क्या लीजिएगा? हम तो सिर्फ आइसक्रीम खाएंगे। अभी लाते हम आपके लिए आइसक्रीम। ये कनक हमेशा बेमानी करती है, हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। देखो ना बड़े पापा, ये लोग हमेशा मुझे बेमान कहते हैं, जो मैं बेमानी करती ही नहीं हूँ। की है, हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। करण, अर्जुन, झगड़ा नहीं करते। आप सब बाहर जाइए और साथ में खेलिए, और जूही को भी साथ ले जाइए। ओके? चलो जी। हम जानते खन्ना साहब कि आजकल आप हमसे दूर दूर क्यों रहते हैं। गलती हमारी ही है, हमें आपसे घर बेचने के लिए नहीं कहना था। आपका घर है, आप उसे बेचे या ना बेचे आपकी मर्जी है। चलिए पहले आइसक्रीम खा लीजिए। खन्ना साहब, बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी कहिए। आप जब भी अपना घर बेचें, हमें ही बेचिएगा। विष्णु जी, घर में आपको जरूर बेचता अगर घर मेरा होता। क्या मतलब? ये घर जूही का है। दरअसल उसके जन्मदिन पर ये घर उसे मैंने तोहफे में दिया था। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपना घर कभी बेचूंगा, लेकिन अगर बेचना पड़ा तो मेरा वादा रहा कि आपको ही बेचूंगा। घर तो आपको बेचना ही पड़ेगा खन्ना साहब, क्योंकि हमें अपना ऑफिस वहीं बनाना है, और हमारे पास वो ताकत है कि हम जो चाहें पा सकते हैं। मेरे बारे में जो कुछ भी कहा है अंबालिका, सब कुछ सच हुआ है। मेरे दुश्मनों से मेरा सामना हुआ, और काका काकी सासे भी मेरी जान बच गई। तुम्हारी जान तो बच गई ना, अब मेरी भी जान छोड़ दो। हमेशा के लिए चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? मुझसे इंतजार नहीं होता है। एक ही बार में मुझे बता दो कि मुझे और कितने दुख सहने हैं। आने वाला वक्त और क्या क्या तकलीफें ला रहा है, बताओ मुझे अंबालिका। हे भगवान, पता नहीं आज इसे क्या बुरी खबर देने वाली हूँ मैं। अरे अगर इतना बुरा बुरा बोलूंगी तो ये एक दिन मुझे ही डस लेगी। अंबालिका क्या सोच रही हो, बताओ मुझे। मैं तो यही सोच रही हूँ कि जो दुख आने वाला है वो तो वैसे भी आने वाला है ना, तो उसके बारे में जानकर तुम अपने आप क्यों दुखी करना चाहती हो? बस यही। नहीं अंबालिका, बताओ मुझे, सब कुछ बताओ मुझे, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि ईश्वर एक ही की किस्मत में और कितने दुख लिख सकते हैं। अच्छा खुशी, बहुत बड़ी खुशी तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। मेरी जिंदगी में खुशी? नहीं, खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं। आज मैंने कोई अच्छी बात कही है। रुको, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। रुको। नहीं अंबालिका, मत बताओ मुझे। मेरी जिंदगी में खुशियाँ बहुत कम आती हैं। मैं उस आने वाली खुशी को महसूस करना चाहती हूँ। उसे पहले से ही बताकर कम मत करो। आने दो उसे, मैं भी तो देखूं कि खुशी कैसी होती है। हे भगवान, इसे तू हमेशा खुशी रखना, क्योंकि अगर ये नाराज हो गई तो मैं सीधा तुम्हारे पास ही पहुंचूंगी। फिर तो भगवान मेरी रक्षा करना, इसको खुश रखना। हमें खन्ना का घर चाहिए। हमारे ऑफिस के लिए हमें खन्ना का ही घर चाहिए। विष्णु, सुनिए विष्णु, पता नहीं कौन इस वक्त दरवाजा खटखटा रहा है। इतनी रात को कौन हो सकता है? अरे अरे विष्णु जी हैं? जी हैं, आइए। जरा जल्दी उन्हें बुलाइए। कौन है शंभू? खन्ना साहब आप? क्या हुआ भाई साहब, आप इतनी रात में? सब खैरियत तो है ना? वो जूही मेरी बच्ची। क्या हुआ जूही को? जूही अचानक बेहोश हो गई है। उसकी अचानक बहुत तबीयत खराब हो गई, उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया। अगर आप में से कोई थोड़ी देर के लिए उसके पास बैठ जाए तो मैं जाकर डॉक्टर को बुला लाऊं। रुद्रा, डॉक्टर को बुला लाइए। जी मां साहब। आइए भाई साहब, आइए। हमारे ऑफिस के लिए हमें खन्ना का ही घर चाहिए। कहीं ये मणि की वजह से तो नहीं हो गया? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अपनी जिद के लिए हम बच्चे की जान नहीं जाने देंगे। ये देखिए क्या हालत हुई मेरी बच्ची की। देखिए देखिए मेरी बच्ची को क्या हो रहा है। देखिए देखिए मेरी बच्ची। आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो? भगवान पे भरोसा रखिए भाई साहब, सब ठीक हो जाएगा। बस रुद्रा डॉक्टर को लेकर आते ही होंगे। पापा। बोलो बेटा। पापा तुम्हारे पास है बेटा? हाँ बेटा, लो लो अभी पानी ला दो बेटा। लो लो बेटा, ले पानी पी बेटा, ले पानी पी ले बेटा, लो पानी पी बेटा, बेटा पानी पी। रुको, ये क्या कर रहे हो विष्णु? ये सब तुम्ही ने तो चाहा था। अगर खन्ना का घर चाहिए तो मणि रख दो। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। सोचो तुम्हारे सपनों का क्या होगा, तुम्हारे नए ऑफिस का क्या होगा। नहीं, हमारे सपने पूरे होने की कीमत जूही की जान नहीं हो सकती। सोच लो, तुम ही तरक्की चाहते थे, तुमने ही सपने देखे और अब तुम ही अपने हाथों से उन सपनों को चूर-चूर करना चाहते हो। हाँ हाँ कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसी तरक्की जिसकी नींव में एक बच्ची की लाश दबी हो। नहीं चाहिए वो कामयाबी जो एक बाप के आंसुओं में डूबी हो। जूही को कुछ नहीं होना चाहिए। जूही की जान बचा लो। जूही बेटा पानी ले। ये रुद्रा अभी तक आए क्यों नहीं? नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे जूही। इतना बड़ा पाप अपने साथ लेकर हम नहीं जी सकते। बोलो बेटा। हाँ पापा तुम्हारे पास है बेटा, बोलो। खन्ना साहब आप उठिए, हम देखते हैं। विष्णु जी मेरी बच्ची को क्या हो गया? विष्णु जी देखिए। जूही को ठीक कर दो। मणि का असर क्यों नहीं हो रहा है? कैसी है, क्या हाल है मेरी बच्ची का? आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। हमें चूहे मार दिया, हमारी इज्जत, हमारे अहंकार की बलि ये बच्ची चढ़ गई। इसकी मौत के जिम्मेदार हम हैं। समझ में नहीं आता अचानक उस बच्ची को क्या हो गया। कल तक तो अच्छी भली थी, हमसे खुद आइसक्रीम मांगकर खाई। हमें तो खन्ना साहब के लिए बहुत दुख हो रहा है। कितना प्यार करते थे वो जूही से, अपनी नजरों के सामने से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने देते थे। ऐसा क्या हुआ होगा उस बच्ची को? ना कोई चोट, ना कोई बीमारी, ऐसे ही किसी की मौत कैसे हो सकती है? इस घर के लोगों की प्राणशक्ति तो नहीं ले सकती, पर जूही तो इस परिवार की नहीं है। चलिए पहले आइसक्रीम खा लीजिए। यही आइसक्रीम मुझे प्राण शक्ति दिलवाएगी। अब सब कभी नहीं जान पाएंगे कि मैंने उसे मारा है, उसकी प्राण शक्ति पाने के लिए। ये तो शुरुआत हुई है, अभी तो मुझे 2 और प्राण शक्ति चाहिए।